तो अपन ने लास्ट क्लास में बात की थी ग्रोथ हार्मोन की, जो कहाँ से रिलीज होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से। तो पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होने वाले हार्मोन्स की बात कर रहे थे अपन। तो उसमें से अपन ने किसकी बात कर ली थी कल, ग्रोथ हार्मोन की बात कर ली थी। आज सेकंड हार्मोन की बात करने जा रहे हैं, जिसका नाम है कौन सा, TSH हार्मोन। TSH हार्मोन होता है वो प्यूटरी ग्लैंड के एडिनो हाइपोफाइसिस भाग से क्या होता है, सीक्रेट होता है। तो TSH हार्मोन होता है थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। ये थायराइड ग्रंथि को क्या करता है, स्टिम्युलेट करता है, किसके लिए, थायरोक्सिन हार्मोन को रिलीज करवाने के लिए। इसका दूसरा नाम क्या होता है, TTH, थायराइड ट्रोपिक हार्मोन भी इसे कहते हैं। यह है हार्मोन थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्लैंड या थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन को क्या करवाता है, सीक्रेट करवाता है। उसको सीक्रेट करने के लिए क्या करता है, प्रेरित करता है। हाइपोथैलेमस होता है आपका, हाइपोथैलेमस क्या रिलीज करेगा, हाइपोथैलेमस रिलीज करवाएगा TSHRT हार्मोन और TRH हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। यह किस पर काम करेगा, ये काम करेगा आपके किस पर जाके, एडिनो हाइपोफाइसिस पर। किस पर काम करेगा, एडिनो हाइपोफाइसिस पर काम करेगा। जैसे एडिनो हाइपोफाइसिस पर काम करेगा तो एडिनो हाइपोफाइसिस के द्वारा TSH हार्मोन रिलीज करवा जाएगा। कौन सा हार्मोन रिलीज करवा जाएगा, TSH। इसी की अपन बात कर रहे थे कि अपन को कौन सा हार्मोन पढ़ना है, TSH हार्मोन पढ़ना है। और ये हार्मोन देखो कहाँ से रिलीज हो रहा है, आपके एडिनो हाइपोफाइसिस भाग से। और एडिनो हाइपोफाइसिस किसका भाग है, आपका पिट्यूटरी ग्लैंड का भाग होता है। जैसे TSH हार्मोन रिलीज होता है, ये TSH हार्मोन कौन सी ग्लैंड पर जाकर कार्य करेगा, ये आपका काम करेगा थायराइड ग्लैंड पर जाकर का। किस पर काम करेगा, थायराइड ग्लैंड पर जाकर काम करेगा। जैसे ये थायराइड ग्लैंड पर जाकर काम करता है, यहाँ से कितने हार्मोन रिलीज होते हैं, दो प्रकार के हार्मोन रिलीज होते हैं। कितने प्रकार के, दो प्रकार के। कौन कौन से, एक तो होता है आपका थायरोक्सिन हार्मोन और एक होता है आपका थायरो कैल्सी टोनिन हार्मोन, जिसे अपन बोलते हैं TCT हार्मोन। कौन से हार्मोन के नाम से जानते हैं उसको, TCT हार्मोन के नाम से भी उसको जानते हैं। तो अपन ने यहां से बात किसकी की है, अपन ने बात की है TSH हार्मोन, जो किस रिलीज होता है, आपकी प्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है। किससे रिलीज होता है, प्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है। और प्यूटरी ग्लैंड के भी कौन से भाग से रिलीज होता है, आपके एडिनो हाइपोफाइसिस भाग से रिलीज होता है। तो एडिनो हाइपोफाइसिस को कौन बोलता है या कौन उसको स्टिमुलेट करता है कि आप इस समय TSH हार्मोन को क्या कीजिए, रिलीज कीजिए। तो इसको स्टिमुलेट करने के लिए आता है आपका थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, जो कहाँ से रिलीज होगा, आपके हाइपोथैलेमस भाग से क्या होता है, रिलीज होता है। इसके बाद में ये थायराइड ग्लैंड जो TSH हार्मोन है, किस पर काम करेगा, आपकी थायराइड ग्लैंड पर जाकर काम करेगा। और जैसे जैसे ये थायराइड ग्लैंड पर जाकर काम करता है, वहां से दो हार्मोन रिलीज होंगे। कौन कौन से, एक तो थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज होगा और दूसरा कौन सा हार्मोन रिलीज होगा, आपका थायरो कैल्सिटोनिन हार्मोन रिलीज होगा। जो आपका थायरो कैल्सिटोनिन हार्मोन होता है, ये ब्लड में कैल्शियम की सांद्रता को क्या कर देगा, कम कर देगा। जो ब्लड है, ब्लड में कैल्शियम की जो सांद्रता होती है, कंसंट्रेशन होती है, उसको क्या कर देगा, ये कम कर देगा। अब कम करेगा तो कम कैसे करेगा, कम करने के लिए ये ब्लड में से कैल्शियम को निकालेगा और कहाँ पर लेके जाएगा, बोन्स के पास में। बोन्स में क्या करवा देगा, कैल्शियम को ऐड करवा देगा। तो हमेशा याद रखिए कि बोन्स के अंदर कैल्शियम को ऐड करना, जो आपकी बोन्स होती है, बोन्स के अंदर कैल्शियम को, बोन्स के अंदर कैल्शियम को ऐड करना, ये तो काम किसका होता है, आपका थायरोकैल्सिटोनिन का। और ब्लड में से कैल्शियम को निकालना,
ये भी काम किसका होता है आपका, थायरो कैसेटोनिन का काम होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट बात करते हैं अपन किसकी, थायरोक्सिन हार्मोन की। थायरोक्सिन हार्मोन की बात करने से पहले एक देखिए नेगेटिव फीडबैक। अब नेगेटिव फीडबैक कैसे मिलेगा, नेगेटिव फीडबैक दिया जाएगा किस किसके द्वारा, थायरॉइड ग्लैंड के द्वारा। थायरॉइड ग्लैंड किसको नेगेटिव फीडबैक देगी, एडिनो हाइपोफाइसिस भाग को। एडिनो हाइपोफाइसिस भाग को ये फीडबैक मिलेगा नेगेटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक में क्या होगा, यह बोलेंगी कि हाँ अभी बॉडी में के बॉडी के अंदर जो हार्मोन्स उनका लेवल क्या हो गया, अच्छा हो गया, इसलिए आप उसको क्या कीजिए, कम कर दीजिए। अब भी थायरॉइड ग्लैंड किसको नेगेटिव फीडबैक है, एडिनो हाइपोफाइसिस को। एडिनो हाइपोफाइसिस किसको नेगेटिव फीडबैक भेजेगा फिर वापस, हाइपोथैलेमस को। और हाइपोथैलेमस के द्वारा जो आपका टीआरएच हार्मोन है इसका रिलीज करना क्या कर देगा, बंद कर देगा। और जैसे ये रिलीज होना बंद हुआ तो एडिनो हाइपोफाइसिस को भी किसी प्रकार का कोई सिग्नल नहीं मिलेगा, और सिग्नल नहीं मिलेगा तो आपका टीएसएच हार्मोन भी नहीं आएगा। टीएसएच हार्मोन नहीं आएगा तो आपकी थायरॉइड ग्लैंड स्टिमुलेटिंग भी नहीं होगी और ये हार्मोन्स भी आपको देखने को नहीं मिलेंगे। फिर नेक्स्ट बात करते हैं अपन किसके बारे में, थायरोक्सिन हार्मोन के बारे में, जो आपका थायरोक्सिन हार्मोन होता है इसके बारे में। तो बात की जाए थायरोक्सिन हार्मोन के बारे में, तो जो आपका थायरोक्सिन हार्मोन होता है ये क्या करता है, रेगुलेशन ऑफ द मेटाबॉलिक एक्टिविटी। जो भी आपकी उपापचय क्रिया होती है उनको क्या करके रखता है, कंट्रोल करके रखता है। कंट्रोल करने का मतलब उपापचय क्रिया को कम या ज्यादा करने का कार्य किसका होता है, आपका थायरोक्सिन हार्मोन का होता है। रेगुलेशन ऑफ द बीएमआर, बीएमआर क्या होती है, बेसल मेटाबॉलिक रेट। क्या होती है, बेसल मेटाबॉलिक रेट रेट होती है। इस रेट के बारे में अपन आगे बात करेंगे। तो याद रखिए आप ये रेगुलेशन ऑफ द बीएमआर कोमा टेम्परेचर, टेम्परेचर का भी क्या करती है, रेगुलेशन करती है। कौन, थायरॉइड ग्लैंड। और थायरॉइड ग्लैंड से सीक्रेट होने वाला जो थायरोक्सिन हार्मोन होता है ये क्या करता है, रेगुलेट करता है। सबसे बड़ी चीज आती है आपकी मेटामोरफोसिस, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि मेटामोरफोसिस को कंट्रोल करना या मेटामोरफोसिस किस हार्मोन के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। तो मेटामोरफोसिस के लिए उत्तरदायी है कौन सा हार्मोन होता है आपका, थायरोक्सिन हार्मोन होता है। कौन सा हार्मोन होता है, थायरोक्सिन हार्मोन होता है। इसके बाद में अपन नेक्स्ट हार्मोन की बात करते हैं, ACTH हार्मोन। कौन से हार्मोन के बारे में बात करेंगे, ACTH हार्मोन, एड्रिनो कोर्टिको, एड्रिनो कोर्टिको ट्रोपिक हार्मोन। कौन सा हार्मोन होता है, एड्रिनो कोर्टिको ट्रोपिक हार्मोन। अपन ने फर्स्ट हार्मोन की किस कौन से हार्मोन की बात की थी, ग्रोथ हार्मोन की बात की थी। ग्रोथ हार्मोन के बाद में अपन ने कौन से हार्मोन की बात की, टीएसएच हार्मोन की बात की। टीएसएच के बाद में अपन किसकी बात करें, ACTH हार्मोन की बात करते हैं। तो जो ACTH हार्मोन होता है यह हार्मोन किस प्रकार से रेगुलेट किया जाता है ये देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले सिग्नल किसको मिलता है, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस को सिग्नल मिलता है कि हाँ अभी बॉडी के अंदर किसकी रिक्वायरमेंट है, आपके ACTH हार्मोन की रिक्वायरमेंट है। तो इसको रिलीज करवाने के लिए पहले सबसे पहले हाइपोथैलेमस के द्वारा रिलीज किया जाता है कौन सा, CRT हार्मोन। कौन सा हार्मोन रिलीज करवाया जाता है, CRT हार्मोन रिलीज करवाया जाता है। तो CRT हार्मोन होता है ये होता है आपका कोर्टिको रिलीजिंग हार्मोन। कौन सा होता है, कोर्टिको रिलीजिंग हार्मोन होता है। यह काम किस पर करता है, यह काम करता है आपके एडिनो हाइपोफाइसिस भाग पर। अपने तो पिट्यूटरी ग्लैंड का भाग लेके चलना है, तो ये आ गया आपका पिट्यूटरी ग्लैंड का भाग, कौन सा, एडिनो हाइपोफाइसिस। एडिनो हाइपोफाइसिस को सिग्नल मिला किसके द्वारा, CRH के द्वारा। और CRH क्या करेगा फिर, एडिनो हाइपोफाइसिस के द्वारा कौन सा हार्मोन रिलीज करवाएगा, ACTH हार्मोन रिलीज करवाएगा। कौन सा हार्मोन रिलीज करवाएगा, ACTH हार्मोन रिलीज करवाएगा।